अच्छा, अभी तक जो हम लोग ने देखा तो सबसे पहले कि व्हेन आई से प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आता है कंपोनेंट्स में। तो सबसे पहला बैलेंस शीट था, हम उसी का एनालिसिस कर रहे हैं। और बैलेंस शीट के अंदर अगर हम देखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर हमारा क्लासिफिकेशन क्या होता है, करंट नॉन करंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी शुड नो कि करंट में और नॉन करंट में क्या क्या आएगा करके। जनरली ये डिसाइड करने के लिए एक पीरियड का अपने पास होना जरूरी है जिसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, एंड दैट पीरियड विल बी 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर। जो भी आएगा अगर वो विद इन उसके अंदर हो रहा है रियलाइज या फिर डिस्चार्ज तो करंट, उसके बियॉन्ड जा रहा है तो नॉन करंट, ये हमने देखा था। तो एक क्वेश्चन था जिसके अंदर दो कंपनी, अच्छा, और ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलता है, तो रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स और डेटर कलेक्शन पीरियड, इनको ऐड करके निकलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देयर वॉज वन एंटिटी जिसके आपके दो बिजनेस है, तो दोनों बिजनेस के लिए अलग अलग आपका पीरियड रहेगा डिसाइड करने के लिए। अच्छा, देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो ऐसा था, कुछ तीन एग्जांपल थे। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, तो जनरली उसको ग्रेटर देन 12 मंथ्स लगता है, वो ऐसा नहीं कि कनेक्शन अभी के हम तोड़ेंगे, इट विल टेक सम टाइम। हम इंटेंशन ये है कि डिपॉजिट देख के रखा है, तो ऐसा नहीं कि घर पे आपने डिपॉजिट दिया है तो भी आने वाले 12 महीने वो निकालने वाले हो, तो जनरली वो नॉन करंट रहेगा। एक्सेप्शन इज देयर अगर आप 12 महीने के अंदर उसका वो कनेक्शन तोड़ के पैसा लेने वाले हो। देन टेंडर डिपॉजिट, जनरली 12 महीने के अंदर प्रोसेस खत्म हो जाता है तो अपने को पैसा मिल जाता है, दैट्स व्हाई इट इज करंट। और गवर्नमेंट के साथ अपना कुछ डिस्प्यूट है और वो पैसा मिलने का है, तो जनरली इट टेक्स मोर देन 12 मंथ्स, दैट्स व्हाई इट इज नॉन करंट। अच्छा, आफ्टर दिस अगर हम बात करें तो कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे। अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो हमने पॉइंट नंबर 3 लिखा था करंट नॉन करंट, अभी पॉइंट नंबर 4 लिख देना स्पेशल केसेस करके। अच्छा, पहले स्पेशल केसेस से कनेक्टेड कोई एक चीज़ है वो लिख देते पर एक डायग्राम, फिर मैं आपको उस डायग्राम को समझाता हूँ। पहले लेट्स राइट कि वो क्या है करके। तो पहले लिख देना लोन, पहला स्पेशल केस इसमें आपका लोन है। अच्छा, ब्रैकेट में मैं एक लिख देता हूँ रीपेएबल, अच्छा मुझे पता ना कि रीपेबल ग्रेटर देन 12 मंथ्स है, ये ग्रेटर देन का साइन है, तो जनरली वो करंट होता है या नॉन करंट। कोई भी लोन है मान लो वो 12 महीने से ज़्यादा टाइम लगता है तो नॉन करंट, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉन करंट लाइबिलिटी। अच्छा, बट अगर अभी मैं आगे थोड़ा सा लिखते जाऊँ, इसके आगे लिखते जाना फिर ब्रीच ऑफ मटीरियल कंडीशन, ब्रीच ऑफ मटीरियल कंडीशन बिफोर बैलेंस शीट डेट। लोन बिकम्स पेएबल on demand is equal to current liability. अच्छा, फिर इसको समझाता हूँ, पहले लिख लेते सारा, इसके बाद दो पार्ट में डिवाइड करना है। ग्रेस पीरियड एंड वेवर, उसके बाद ऊपर का लिख लिया आपने इतना। अच्छा, ग्रेस पीरियड रहेगा तो यहाँ पे एक लिख देते पहला,
और वेवर में भी आपके तीन केसेस आएंगे, तीन इतना लिखा हुआ है। बड़े आगे अच्छा सो और देर आर थ्री केसेस इन केस ऑफ वेवर, एक है बिफोर बैलेंस शीट डेट, एक है पोस्ट और एक है आफ्टर। इतना लिखा चलो तो आगे लिख दो, इतना लिखा है तो आगे लिख देना फिर अभी नोट। In case
डन इतना लिखा। अब समझते कि ये क्या लिखा है करके, ये डायग्राम जो अपने को करंट और नॉन करंट क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगा। यहाँ पे ये जो इम्पॉर्टेंट है ये स्पेशल केस, मतलब कुछ अलग केस है, यहाँ पे अलग तरीके से देखा जाएगा। देखो अभी क्या है चीज़, अगर मैं समझा दूँ तो यहाँ पे लेट अस से दिस इज वन फिनेंशियल ईयर। समझते लिख के हो गया था सबका। अच्छा लेट अस अंडरस्टैंड, सपोज दिस इज फिनेंशियल ईयर, तो ये जिस दिन एंड होएगा ये अपना बैलेंस शीट डेट रहेगा, ये बैलेंस शीट का डेट है विच इज यू कैन से 31 मार्च, एनीथिंग लाइक 19, 31 मार्च 19 आपका ये डेट है। इस दिन पे अगर कोई लोन है, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, तो अगर बैंक से लोन लिया हुआ है और इसका पेमेंट आपको 12 महीने बाद देने का है, तो इट इज़ विच लाइबिलिटी नॉन करंट दैट यू हैव टू पे आफ्टर 12 मंथ्स। बट सपोज इट इज लाइबिलिटी विच इज पेबल विथ इन 12 मंथ्स, तो कोई बात आती है क्या? करंट ही आएगा। तो विथ इन 12 मंथ्स है तो करंट ही है, करंट का नॉन करंट बनेगा क्या? नहीं। नॉन करंट कब रहेगा? जब ग्रेटर देन 12 मंथ्स रहेगा करके। तो सपोज एक लाइबिलिटी है जो ग्रेटर देन 12 मंथ्स के बाद पे करनी है, सो दैट्स वाई इट इज क्लासिफाइड एज नॉन करंट। अच्छा, लेकिन बहुत बार जब आप लोन लेते हो बैंक से, तो बहुत बार है ना बैंक अपने को कंडीशन देता है कि ये कंडीशन आपको फुलफिल करने का है करके। वंस आई गिव यू लोन, तो आपका कभी भी डेप्ट इक्विटी रेशियो, लेट अस अज्यूम बैंक ने ऐसा बोला है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 1 रुपये का इक्विटी है तो लाइबिलिटी 2 रुपये का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आप जितना ज़्यादा लोन लोगे उतना हमको खतरा बढ़ेगा कि हमारा पैसा हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो बैंक हैज पुट वन कंडीशन, या तो बैंक ने और एक कंडीशन रखा है कि आप डीमर्जर नहीं कर सकते वगैरह। तो ऐसे कुछ कंडीशंस बैंक ने रखी है, और मान लो आप उस कंडीशन का ब्रीच करते हो तो इसको बोलेंगे ब्रीच ऑफ कंडीशन। मान लो आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 नहीं रहा, तो इस केस में आपने कंडीशन ब्रीच कर दी। तो वंस यू ब्रीच द कंडीशन, आपने कंडीशन का ब्रीच कर दिया, द लोन बिकम्स रीपेबल ऑन डिमांड। जनरली लोन वॉज मे बी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, सो इट वॉज नॉन करंट, बट 31 मार्च को बिकॉज उसका वो ब्रीच हो गया है, या तो मान लो कहीं पे यहाँ पे ब्रीच हो गया और अभी तक कंटिन्यू, तो वो कंडीशन ब्रीच हो गया, या तो आपने डीमर्जर कर दिया बीच में कहीं पे, तो इस केस में 31 मार्च को वो लोन अभी 5 साल बाद ही, वो क्या है? रीपेबल ऑन डिमांड है, तो उसको करंट बोलेंगे या नॉन करंट? करंट, बिकॉज इट इज रीपेबल ऑन डिमांड। तो सबसे पहले देखो, अभी यहाँ पे अगर मैं आपको रीड कराऊँ, सबसे पहले लोन रीपेबल ग्रेटर देन 12 मंथ्स, तो 12 महीने से ज्यादा, तो क्या बोलेंगे? नॉन करंट। ब्रीच ऑफ मटेरियल कंडीशन लाइक लेट अस से डेप्ट इक्विटी रेशियो, या तो आपको डीमर्जर नहीं करना है वगैरह, देन बिफोर बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट बनाने से पहले हुआ, तो उस केस में क्या बोलेंगे? लोन बिकम्स क्या रहेगा? रीपेबल ऑन डिमांड, एंड दैट बिकम्स करंट लाइबिलिटी। अच्छा, लेकिन जब हम ब्रीच करते हैं तो हम बैंक के पास जाके बोल सकते हैं कि हम ये रेक्टिफाई करेंगे, या तो हमें कुछ ग्रेस पीरियड दो करके, पैसा हम अभी नहीं देख सकते। इवन दो बैंक वॉज हैविंग अ राइट टू आस्क फॉर मनी इमीडिएटली, बट हमने बैंक को बोला कि हमको पैसा देने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तो हमें क्या चाहिए? थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो उसको बोलते हैं कि ग्रेस पीरियड। तो बैंक ने, मान लो आपका डिफॉल्ट सबसे पहले यहां पे हो गया, डिफॉल्ट कहां पे हो गया? तो बिफोर बैलेंस शीट, यहां पे कहीं पे आपने ब्रीच कर दिया है, और इसके बदले में बैंक ने आपको क्या दिया? ग्रेस पीरियड, इमीडिएटली पैसा नहीं मांगा, ग्रेस पीरियड दिया। और बैंक ने मान लो आपको बोला कि कुछ इतना टाइम देते हैं 12 महीने में, या फिर मान लो लेटेस्ट से 10 मंथ्स, चलो लेटेस्ट से 10 मंथ्स के अंदर ये सब कंडीशंस वगैरह आप वापस अच्छे से कर दो करके, तो बैंक अपने से 10 महीने तक पैसा नहीं मांगेगा। अगर 10 महीने तक वापस डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 नहीं लाया तो फिर पैसा मांगेगा। बैंक टोल्ड अस दैट आई एम गिविंग यू ग्रेस पीरियड, आपने जो कंडीशन ब्रीच की है, मान लो डेप्ट इक्विटी रेशियो गलत का आपने वो नहीं फॉलो किया 2:1, तो आपको 10 महीने का टाइम दिया, बोला 10 महीने तक ये फॉलो कर लेके आना रेशियो, नहीं लेके आए ना तो हम आपसे पैसा मांगेंगे। तो 10 महीने तक मेरे पास बैंक आने वाला है क्या? नहीं आने वाला। एज ऑन 31 मार्च अगर मैं देखता हूं, तो पैसा ग्रेटर देन 12 मंथ्स में मांगेगा या नहीं मांगेगा बैंक? नहीं, विद इन 12 मंथ्स में मांगेगा। तो 31 मार्च को फिर भी बैंक थोड़ा वेट करेगा, लेकिन पैसा मांगना आएगा थोड़े टाइम के बाद, तो मतलब उस केस में वो क्या माना जाएगा? करंट।
तो देखो अब मैंने क्या लिखा, और मान लो बैंक बोलता है कि आपके पास 2 साल का ग्रेस पीरियड है, 2 साल तक हम आपके पास आएंगे ही नहीं, तो 30, और ये कहां से गिना जाएगा हमेशा, बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर है कि नहीं। तो देखो अभी मैं यहां पे अगर रीड करता हूं, ग्रेस दिया है इसके लिए और ग्रेटर देन 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट है, तो ये क्या रहेगा, नॉन करंट, बिकॉज उस 12 महीने तक ग्रेस है, मतलब बैंक अपने पास मांगने नहीं आएगा, 12 महीने बाद ही आएगा जो भी होगा, और बैलेंस शीट डेट से वो लेस देन 12 मंथ्स में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो करंट। डाउट है या क्लियर है ये चीज, ये चीज क्लियर है। अच्छा अब कभी कभी क्या होता है कि हमने कंडीशन ब्रीच किया और बैंक ने वेव ऑफ कर दिया, मतलब बोला चलेगा हम पैसा नहीं मांगते करके, रीपेबल ऑन डिमांड। अच्छा अब कंडीशन ब्रीच किया तो पहले क्या लिखा है, बिफोर बैलेंस शीट डेट, बिफोर बैलेंस शीट डेट मतलब आपने कंडीशन इधर ब्रीच किया और बैंक ने आपको माफ भी कर दिया इधर कि बोला चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन दो देयर इज अ ब्रीच इट इज नॉट रीपेबल ऑन डिमांड करके, तो ब्रीच का मतलब आपको वेव ऑफ कर दिया भले आपने कंडीशन ब्रेक किया है, तो 31 मार्च को एक्चुअल में कोई वेव ऑफ है क्या, सॉरी एक्चुअल में कोई ब्रीच है क्या, नहीं। गलती की थी और उसकी माफी भी, मतलब सामने से वो एग्री भी हो गए, कोई टेंशन नहीं है, तो भी पैसा वो डिमांड ऑन पेएबल ऑन डिमांड है क्या, नहीं है, सो इट शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट। तो देखना अगर बिफोर बैलेंस शीट डेट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर होते जा रहा है। अच्छा एक चीज और, एक होता है पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड, ये क्या होता है, तो एक स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे एडजस्टिंग इवेंट एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट करके, इंडेस 10 है, मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद 31 मार्च के बाद जब तक बीओडी अकाउंट को साइन नहीं करते, अप्रूव नहीं करते ना, उस पीरियड के ट्रांजैक्शन को या तो बैलेंस शीट डेट पे जाके एडजस्ट करा जाता या तो नहीं करा जाता, अगर जाके कर सकते हो दैट इज एडजस्टिंग इवेंट, और जाके नहीं कर सकते मतलब नॉन एडजस्टिंग इवेंट। समझ में आता है। अभी इस केस में मैंने ये पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड का मतलब ही ये है कि बैलेंस शीट डेट से लेके बीओडी के अप्रूवल वाला पीरियड, दैट इज पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड। एक बार बैलेंस शीट फाइनलाइज हो गई तो बाद में कोई बात ही नहीं आती, फिर तो कुछ भी हो उसके बाद सब कुछ नॉन एडजस्टिंग हो, नेक्स्ट ईयर में ही आएगा। अच्छा अब मैं क्या बोलता हूं, देखो यहां पे आपने ब्रीच किया था बैलेंस शीट डेट से पहले और बैंक ने वेव ऑफ किया, बोला चलेगा करके, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, हम आपको माफ करते हैं उसके लिए, तो माफ करते, लेकिन ये कब माफ किया आपको, बैलेंस शीट डेट के बाद। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट डेट पे ब्रीच था या नहीं था, था, माफी तो उसके बाद मिली है ना बीओडी के साइन करने के, तो माफी यहां पे मिली है, मतलब वेव इधर किया है, वेव ऑफ इधर किया है, एक था इधर वेव ऑफ, तो बातें नहीं आती, 31 मार्च को ब्रीच ही नहीं है बिकॉज माफी भी मिल गई उसकी। इस केस में माफी आपको बैलेंस शीट डेट के बाद मिल रही है, तो उस केस में बैलेंस शीट डेट पे ब्रीच था या नहीं था, था, तो एक्चुअल में देखने जाओगे तो करंट होना चाहिए कि नॉन करंट होना चाहिए, करंट, बिकॉज देर वॉज अ ब्रीच एज ऑन बैलेंस शीट डेट, तो IFRS बोलता है कि करंट मानने का, बट इंडिया में कैसा होता है, हर चीज का कुछ तो जुगाड़ बिठाया जाता है। अब इंडिया में कैसा है, ब्रिज तो बहुत सारी कंपनी करती रहती है कंडीशन का, तो उस केस में उनकी सारी जो नॉन करंट बड़े बड़े लोन है वो करंट में आ जाएंगे, और जब शेयर होल्डर देखेगा तो उनको लगेगा इतना सारा पैसा इमीडिएटली देना है विद इन 12 मंथ्स, तो भरोसा उड़ जाएगा लोगों का कंपनी में से, तो इसीलिए इंडिया में उसको बोला गया ये तो छोटा मोटा है, ब्रिज होता ही रहता है, माफ कर दिया ना भले ही बैलेंस शीट डेट के बाद ही सही, बट साइन होने से पहले माफ हो गया, मतलब वो एक्चुअल में क्या बन गया, नॉन करंट, बैलेंस शीट डेट के बाद बना, बट फिर भी उसको बैलेंस शीट डेट पे नॉन करंट मानो, नहीं तो शेयर होल्डर को ऐसा लगेगा कि अब ये कंपनी को बहुत सारा पैसा देने का है 12 महीने के अंदर, तो खाली इसलिए इंडिया में ये किया गया कि कंपनीज की सहूलियत के लिए, कि उनको बेटर लगे, कंपनी के लिए नॉन करंट ज्यादा बेटर होता है, करंट मतलब ऐसा लगेगा कि अभी के अभी देना है, तो शेयर होल्डर को टेंशन आएगा कि इतना सारा पैसा भी देने का है करके, तो बस इंडिया में इसलिए इसको बोलते हैं कार्व आउट करके, अगर थोड़ा याद है तो, इसको हम कार्व आउट बोलेंगे कि मैंने बोला था कि उन वो लोग कुछ अलग बोलते लेकिन इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से वो सूट नहीं करता, तो हम अपना कुछ अलग रूल बना देते, हालांकि सारा डब के लेकिन कुछ कुछ चेंजेस के साथ। तो ये समझ में आता है, पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड में अगर वेव ऑफ हुआ है तो हम क्या मानेंगे, नॉन करंट, IFRS वाले करंट मानते हैं, वो बोलते गलती हुई ना बात खत्म, 31 मार्च को करंट था तो करंट ही मानने का, अपनी गलती क्यों, कि नहीं तो आप हमेशा ऐसा ही करोगे, गलती करोगे फिर तब तक माफी मांग लोगे, इंडिया में खाली एक जुगाड़ बिठाया गया है कि भाई चलेगा। अच्छा
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सब कुछ साइन कर दिया है, अब उसके बाद बैंक ने माफ किया है, मतलब 31 मार्च के पहले कुछ तो हम लोग ने ब्रीच किया था कंडीशन, 31 मार्च आ गया, बीओडी ने साइन कर दिया रिपोर्ट, उसके बाद तो साइन हो गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान कृष्ण भी आएंगे तो भी कुछ चेंज नहीं होगा उसके अंदर, तो आपका बीओडी जो साइन हो गया वो फाइनल रहेगा। तो उस बैलेंस शीट डेट पे, मान लो मैं इधर बोलता हूँ ये बैलेंस शीट डेट है और इधर बीओडी ने साइन कर दिया, और वेव ऑफ किधर हुआ है, इधर एक में वेव ऑफ इधर हुआ था, एक में वेव ऑफ इधर हुआ था, दोनों में क्या माना गया, नॉन करंट, लेकिन इधर वेव ऑफ हुआ है तो साइन हो गया, तो तब अब क्या रहेगा, करंट लाइबिलिटी ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, समझा। लेकिन ये वाला लाइबिलिटी नेक्स्ट ईयर में नॉन करंट रहेगा, वेव हो गया है, ब्रीच मतलब हुआ ही नहीं, वो माफी मिल गई उसके करके बैलेंस शीट डेट से पहले, लेकिन ये वाले में वो क्या रहेगा आपका। अच्छा तो मैं क्या बोलता हूँ, ये डायग्राम आपको समझ में आया जो लिखाया गया है पूरा, करंट नॉन करंट वाला। अच्छा एक नोट है, इन केस द ग्रेस पीरियड इज बिफोर द एक्चुअल ब्रीच हैपेंस देन देयर इज नो ब्रीच एट ऑल एंड हेंस क्लासिफिकेशन कंटिन्यूज टू बी नॉन करंट। अब ये एक मैं आपको समझा देता हूं, मान लो 20th फेब को या तो कोई भी एक डेट था उस दिन, मान लो 1st of Feb को आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए था, आपको पहले से पता था ये होने नहीं वाला उस दिन, तो उस दिन नहीं होने वाला, तो आपने पहली बैंक को जाके बोल दिया कि हमसे ये रेशियो उस दिन नहीं सेटिस्फाई होगा, तो बैंक ने आपको ग्रेस पीरियड दे दिया। देखो अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, आपको इस दिन कोई कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी, इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच, ब्रीच किया नहीं, हमें लग रहा है कि आगे जाके होने वाला है, तो उसके हमने बोला ब्रीच होएगा, फिर बैंक के पास जाएंगे ग्रेस पीरियड देगा, उसे चाहे बैंक को बोला कि ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए हमें थोड़ा और टाइम दो, समझा पहले ये चीज, तो एक्चुअल में ब्रीच होने से पहले हम लोग ने ग्रेस पीरियड बढ़ा दिया करके। तो मैं ये बोल रहा हूं 31 मार्च को ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अब भले ही ग्रेस पीरियड इधर तक का क्यों ना हो, जून तक का क्यों ना हो, लेकिन अब ये कंडीशन कब चेक की जाएगी, 30th जून को चेक की जाएगी, 31 मार्च को तो कुछ ब्रीच हुआ ही नहीं है, ब्रीच होता और ग्रेस पीरियड मिलता तो हम देखते कि अभी रीपेबल कब है करके, यहां पे अभी ब्रीच ही नहीं हुआ है। इट इज लाइक दिस कि आपको 30th मान लो जुलाई तक, जुलाई में कितने डेज आते हैं, कितने, 30th जुलाई, आपको 30th जुलाई तक रिटर्न फाइल करने का था मान लो, जून बोला मैंने, अच्छा ठीक है, 31 जुलाई में आपको रिटर्न फाइल करने का था मान लो, और आपको लग रहा था कि आप नहीं कर पाओगे, बट इनकम टैक्स वालों ने 1 महीना बढ़ा दिया और आपने फिर वो अगस्त में किया, तो आपने ब्रीच किया क्या, तो वैसा ही आपको ब्रीच होने से पहले आपने ग्रेस पीरियड बढ़ा दिया, तो देर इज नो ब्रीच, एंड इफ देर इज नो ब्रीच तो वो नॉन करंट से करंट होने का बात ही नहीं आता। क्लियर है जो बोला वो। अच्छा तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, या तो एक और कंसेप्ट हम लोग वो कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन 4 करते चलो पहले उसका, इसके ऊपर पहले ये जो लिखा है उसके ऊपर। हाँ अलग है, इस पहले जो 3 था अभी वो इंडेस 7 बन गया, ऑलमोस्ट पूरा सेम है पूरा, अगर आपको आईपीएससी से याद है शायद क्या, चलो मैंने पढ़ाया था मेरे को जा। क्या बोल रहे हैं?
एक ये डायग्राम याद रहेगा, एक बार वापस बोलूँ या समझ में आता है वो लॉजिकली कि क्या था करंट एंड नॉन करंट? चलो तो ये समझ में आता है कि नहीं? अभी आप क्वेश्चन फोर करोगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन फोर सॉल्व करना जरा। आप पढ़ के जरा पहले बता दो तो मेरे को समझे कि आपको कितना समझा है करके। अच्छा अच्छा वहाँ पे टाइप करना जरूरी है पीटीओ करके शायद पहला वाला क्या है पक्का और दूसरा वाला एंटिसिपेटरी ब्रिज है, वो ब्रिज हुआ ही नहीं है। थर्ड हाँ हुआ ही नहीं, उसके पहले ग्रेस बढ़ा दिया। ब्रिज होने के बाद अगर ग्रेस पीरियड आता है तो फिर देखने का कि वो विद इन 12 months है कि नहीं। हाँ बिकॉज अभी तक बैंक आएगा नहीं, बैंक आपके पास कब आएगा? अगर 30th तक फुलफिल नहीं किया तो आपने, आपके पास टाइम तो है ना। समझा क्या या नहीं समझा? बोलो एक बार। अच्छा एक तो होता है कि ब्रीच होना और उसके बाद ग्रेस पीरियड देना। तो ब्रीच होने के बाद जब ग्रेस पीरियड दिया जाता है तो 31 मार्च से देखने का वो ग्रेस पीरियड जो है वो लेस देन 12 months है या नहीं है। लेस देन 12 months है तो करंट, ग्रेटर देन 12 months है तो नॉन करंट। लेकिन ब्रीच होने से पहले मैंने उनको बोला कि भाई और मेरे को टाइम दे दो करके, और बैंक ने बोला कि चलो आपको जून तक का टाइम दिया। तो 31 मार्च को जब मैं देखूंगा ब्रीच हुआ ही नहीं है, इट इज लाइक कंडीशन फुलफिल करने के लिए और 3 महीना है, तो बैंक थोड़ी अभी आएगा और तभी फुलफिल शायद मैं कर भी लूंगा। अभी तक बैंक के पास राइट नहीं आने का। नहीं उधर भी राइट नहीं होता। आई विल आस्क एज ऑन 31st March whether there is जो था उसमें भी ग्रेस पीरियड अपने को 30th June तक के दिया था। हाँ कभी कभी मान ले जून तक का मान ले। हाँ बट वो फाइनेंशियल ईयर मतलब बैलेंस शीट जैसे 12 months के अंदर था, इसलिए हमने ये बोल दिया कि करंट है। वापस बोल। हाँ परफेक्ट। हाँ और उसमें भी सेम कंडीशन है, 30 जून तक मेरे पास बैंक नहीं आएगा। नहीं आएगा बट तूने ब्रीच कर दिया है। हाँ ब्रीच कर दिया और फिर ग्रेस मिला है। तो एज ऑन 31st March देयर इज अ ब्रीच। हाँ अब दूसरे वाले में ब्रीच होने से पहले ही तू बैंक के पास गया और उनको बोला कि मेरे को ग्रेस पीरियड दे दो, तो उस केस में पहले तो बात ब्रीच ही नहीं हुआ। थर्टी और ब्रीच हुआ ही नहीं तो बात ही नहीं आती उसको करंट करने की। ब्रीच ही नहीं हुआ ना 31st March को। सेम केस जैसे कि अगर मेरा नेक्स्ट ईयर में कुछ वैसे ही ट्रीट करेंगे ना, सपोज मेरा नेक्स्ट ईयर में कुछ पेबल है। समझ गया तेरे को? तो क्या मैं ब्रीच होएगा तो तू सोचेगा, ब्रीच नहीं होगा तो तू क्यों सोचेगा? बिकॉज पहला ही कंडीशन क्या लिखा है, इफ देयर इज अ ब्रीच देन इट बिकम्स रीपेबल ऑन डिमांड करके। तेरा ऐसा है कि फिर भी सर जून में तो आएगा ही ना मेरे पास, वैसा बोल रहा है तू? देखो
अगर मैं 31 मार्च 2011 को रिपोर्टिंग करता, सेम ये क्वेश्चन है हाँ हाँ मेरे हाँ यहाँ, ये वाला हाँ हाँ क्वेश्चन, 11 को 11 को रिपोर्टिंग करता, 24 मार्च को मेरा कंडीशन का डेट था, हाँ ये सब ब्रीच विच कुछ भी नहीं हुआ, 24 मार्च को मेरा कंडीशन देखने का डेट था और मैं 11 में खड़ा हूँ, तो मेरे बैलेंस शीट से वो 12 मंथ्स के अंदर आ रहे हैं, हाँ ठीक है तो उस केस में तो मैं उसको नॉन करेंट ही दिखाऊंगा। हाँ हाँ तो वही वाला केस इधर भी अप्लाई हो जाता है कि तू एक सेकंड तू आप तू क्या बोला फिर ऐसा एक सेकंड वापस बोल हाँ बोल। अच्छा मैं फ्लो चार्ट बना के दूँ क्या उसका? दिसंबर में लोन लिया, दिसंबर में लोन लिया। अच्छा अभी इधर ईयर एंड होगा 31 दिसंबर को, तो ठीक है 31 सॉरी 31 मार्च, अच्छा ठीक है सॉरी 2012 अच्छा ठीक है सर, एक डेट चेंज करो, अच्छा 31 दिसंबर है ना, ये 2010 रखो, हाँ 10 रख सकते हो, ये और ये ईयर एंड होना 31 मार्च 11, और कंडीशन फुलफिल करनी थी मेरे को 24 मार्च 2012 को, 12 12 12 12 क्यों? क्यों उस ईयर में तो ये नेक्स्ट ईयर जरूरी नहीं है आगे ना, अच्छा ठीक है। ये क्या मेरे को समझा नहीं पड़ा अभी ठीक है ऐसा क्यों बोला तूने? लोन नहीं था उस टाइम पे, अभी इस केस में क्या बोला कि मार्च में फुलफिल करना कंडीशन, हाँ तो मतलब 5 महीने का टाइम दिया, सपोज उसमें मेरे को 1.5 साल का टाइम दिया था कि मार्च 12 में करना, 10 में मैंने लोन लिया, कंडीशन इधर फुलफिल करना है। हाँ इधर करना है, अच्छा तो मैं ये 31 मार्च 11 को जो रिपोर्टिंग करूंगा उस दिन मैं उसको क्या दिखाऊंगा, नॉन करंट। नॉन करेंट ना, हाँ तो बस यही था, और ये इस अगर ये जून में भी होता ना तो भी नॉन करंट। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि सेम किस्सा तभी भी अप्लाई हो जाता है जब हम ग्रेस उससे पहले ही मांग लेते हैं, जब एंटीसिपेटरी ब्रीच रहता है, ठीक है मैं नहीं, बात एकदम सिंपल है। ब्रीच नहीं है तो सोचने का ही नहीं, समझ ब्रीच होगा तो डायग्राम में जाने का, नहीं तो गया, पक्का। पक्का ये वाला शायद इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था मेरे हिसाब से। हाँ पक्का चलो। अच्छा तो ये क्वेश्चन जरा पढ़ लेते एक बार। क्वेश्चन में लिखा गया है इन दिसंबर 2011 एन एंटिटी एंटर्ड इनटू लोन एग्रीमेंट विद द बैंक, द लोन इज पेबल विद इन थ्री इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर। ठीक है तो 3 साल बाद या कुछ बहुत सारे साल बाद पैसा देना है 2015 से। वन ऑफ द लोन कोविनेंट्स का मतलब होता है कंडीशन, वैसे कोविनेंट्स मतलब कंडीशन होता है। सो वन ऑफ द लोन कोविनेंट्स इज दैट एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू लोन अमाउंट शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई प्रमोटर्स। मतलब जितना पैसा लोन का दिया जा रहा है ना, बैंक बोलते हैं प्रमोटर को भी उतना पैसा लगाना है, तब बैंक को भरोसा आएगा कि एक्चुअल में प्रोजेक्ट में लोग इंटरेस्टेड है। ये तो पता चला हमारा लोन लिया बिजनेस डूब गया तो हमारा पैसा डूब गया करके, तुम भी आधा पैसा लगाओ जिससे हमें एक्चुअल में लगे कि तुम इंटरेस्टेड उस प्रोजेक्ट के अंदर। बाई मार्च 24 2012 तो अपने को पैसा जमा कब तक करने का है? मार्च 24 तक। और फेलिंग विच दो लोन बिकम्स रीपेबल ऑन डिमांड। अगर आपने 24/12 तक नहीं पैसा जमा किया, हमने लोन दिया है दिसंबर 11 को, या तो बैंक ने हमें लोन दिया है दिसंबर 11 को और बोला है कि आने वाले कुछ 2.5 3 महीने के अंदर आपको भी उतना पैसा लगाना है, अगर आप नहीं लगाओगे ना तो हमने जो पैसा आपको दिया वो हम वापस मांग लेंगे। समझ में आता है ये चीज? आगे एज ऑन मार्च 24 12 द बैंक है सॉरी द एंटिटी हैज नॉट बीन एबल टू गेट द प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मुझे बताओ सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रीच है या नहीं है? है, ब्रीच इज देयर। और उसके बाद
ऑन 25th मार्च मतलब नेक्स्ट डे पे ब्रीच होने के बाद द एंटिटी अप्रोच द बैंक एंड ऑप्टेंड अ ग्रेस पीरियड अप टू 30th जून 2012 टू गेट प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. तो पहले ब्रीच हो गया, फिर बैंक के पास हम गए, बोले हमको थोड़ा और टाइम दे दो, अपने पास पैसा नहीं है करके. तो बैंक ने बोला कि चलो जून तक का ही टाइम दिया. मुझे बताओ जून तक बैंक पैसा मांगने आएगा क्या? लेकिन जून के बाद आएगा. और हमने ब्रीच किया है कि नहीं किया है? किया है. तो ब्रीच किया है तो खाली सिंपल ये देखने का 31st मार्च के बाद बैंक आपके पास 12 महीने बाद आएगा या 12 महीने पहले आएगा. सो देयर इज अ ब्रीच, 12 महीने पहले आएगा जून के पहले, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा? करंट. देयर इज अ ब्रीच एंड ग्रेस पीरियड देखोगे तो दिसंबर के बाद 12 महीने के पहले बैंक आ सकता है, वो जून के बाद ही आएगा वो. द बैंक कैन नॉट डिमांड इमीडिएट रीपेमेंट ड्यूरिंग द, वो लिख के दिए कि ग्रेस पीरियड में वो पैसा मांगने नहीं आएगा. द एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड इज पीरियड ऑफ द एंटिटी एंड्स ऑन 31st मार्च 2012. तो हम 31st मार्च 2012 पे है. अज्यूम एज ऑन 31st मार्च 2012 हाउ शुड द एंटिटी क्लासीफाई द लोन? देर इज अ ब्रीच एंड ग्रेस पीरियड इज लेस देन 12 मंथ्स. आपको सीधा डायग्राम में जाना है तो दिमाग अगर ज्यादा ये नहीं तो सीधा पहले क्या ब्रीच है कि नहीं, पहले पूछने का ब्रीच ऑफ कंडीशन है कि नहीं. यस इट इज देयर. फिर पूछने का वेवर है या ग्रेस पीरियड है? ग्रेस पीरियड. फिर पूछने का वो ग्रेस पीरियड बैलेंस शीट डेट से वो 12 महीने के अंदर है या लेस देन 12 मंथ्स है? तो लेस देन 12 मंथ्स है, इसीलिए आंसर इधर आएगा करंट करके. वैसा सिंपल. अगर मान लो ग्रेस, हाँ चलो तो पहले इतना इसका आंसर लिख लेते हैं. चलो इसका आंसर लिख लेते हैं फिर आगे वाले का लिखते हैं. पहले इसका आंसर लिख लो. There has been a breach on किस में? मैं वापस से एक्सप्लेन कर सकता हूं वैसे, बिकॉज इतना डिफिकल्ट नहीं है. क्लियर है ना? हाँ. There has been a breach on 24-03-12 for which the bank has given a grace period till 30th June 2012. As the grace period is less than 12 months from 31st March 2012, that is 3 months. अगर गिनोगे मार्च से तो 3 महीना ही होता है, विच इज लेस देन 12 मंथ. द एग्जिस्टिंग लोन विल बी क्लासिफाइड एज करंट. द एग्जिस्टिंग विल बी classified as current. और बी वाला केस देखते हैं इसके बाद. बी वाला केस, अज्यूम दैट इन एंटिसिपेशन दैट इट मे नॉट बी एबल टू गेट प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ड्यू डेट इन फेब 12, द एंटिटी अप्रोच द बैंक एंड गॉट द कंप्लायंस डेट एक्सटेंडेड अप टू June 30th 2012. तो ब्रीच होने से पहले ही हम बैंक के पास गए तो वो ब्रीच का डायग्राम में आएगा ही नहीं, ब्रीच ही नहीं हुआ है करके. ब्रीच आएगा तो देखते ग्रेस पीरियड है या वेवर है करके, यहाँ पे ब्रीच ही नहीं है. तो नोट वाला पार्ट है,
इट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच. तो आगे इन दिस केस विल द लोन बी क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन ऑन 31st मार्च बी डिफरेंट? यस, इफ देर इज नो ब्रीच तो फिर कोई बात ही नहीं आती, वो नॉन करंट ही आपका रहेगा जो है. तो लिख देते इसका आंसर एज द कंप्लायंस कंडीशन डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30th 6th 12. There is no existing breach on 31st 3 12, and hence the liability will be continue to be classified as non-current. Likhna ek note. Ind AS deals with actual breach and not with expectation of breach. इंडस डील्स विथ एक्चुअल ब्रिज, अगर हुआ है तो हम सोचते हैं ब्रिज हुआ ही नहीं तो कुछ सोचना ही नहीं उसके बारे में. नाउ द ओनली क्वेश्चन लेफ्ट फॉर विच एक और एक थियोरी समझाना पड़ेगा. एक होता है रोल ओवर अरेंजमेंट, मतलब कोई लोन हम नहीं दे पा रहे तो उसका फिर एक्सटेंशन उसी बैंक से या फिर किसी और बैंक से करवाते करके, तो वो एक खाली नोट लिखते हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, तो वो भी अपना पार्ट खत्म हो जाएगा. पॉइंट नंबर अपना कौन सा था, ये वाला स्पेशल केसेस था, इसी में अपना स्पेशल केस है अगर देखेंगे तो ये ए पार्ट मान सकते हैं हम लोग स्पेशल केस में. अब स्पेशल केस बी, ब्रैकेट में लिखना मुझे बताओ अगर कोई 12 महीने के अंदर लोन रीपेबल है तो वो क्या रहेगा, करंट लोन के. हमने एक दो पार्ट किए, ग्रेटर देन 12 मंथ वाला डील किया, अभी अब कौन सा डील कर रहे हैं लेस देन 12 मंथ वाले का क्या होगा.
अच्छा अब इसके अंदर दो पार्ट कर देना, इसमें पहले लिख देना नो रीफाइनेंसिंग और नो रोल ओवर एग्रीड। लिखा अच्छा, अब इसके बाद एक नोट लिखना है, खाली एक नोट लिख देना। कहीं पे भी जगह वहां पे लिख दो, मैं यहां पे लिख देता हूँ नोट।
अच्छा लिख के हो गया। फाइन, अभी उसको समझ लेते ये क्या है करके। अच्छा मान लो ये बैलेंस शीट डेट है और कोई लोन है, अपना लोन है वो 12 महीने के अंदर रीपे होने वाला है करके, तो रीपे होने वाला है मतलब वो क्या हो जाता है, नॉन करंट, सॉरी करंट, विद इन 12 मंथ्स है करके। बट मान लो कोई लोन है और उसको हम लोग रोल ओवर नहीं करा रहे, मतलब नॉर्मल है कि अपना करंट का करंट है, लेकिन रोल ओवर का मतलब होता है हम बोल रहे हैं कि लोन का डेट एक्सटेंड करा देते करके, कि ये लोन 6 महीने बाद या मान लो 8 महीने बाद पेएबल है, इसको कर देते चाहिए तो 20 महीने बाद पेएबल, तो उसको बोलते हैं रोल ओवर, या फिर उसको बोलते हैं रीफाइनेंसिंग कराना। अब रीफाइनेंसिंग या तो सेम बैंक से हो सकता है या तो किसी दूसरे बैंक से भी हो सकता है, कि यहां का लोन चुकाने के लिए हम लोग ने किसी दूसरे बैंक से लोन लिया। तो अब देखना इसमें सबसे पहला, व्हेन आई से दिस लोन रीपेएबल विद इन 12 मंथ्स, तो ये करंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर वो नो रीफाइनेंसिंग है, कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल लोन है, मतलब क्या होता है करंट होता है, लेकिन अगर हम बैंक के पास जाते हैं और क्या करवाते रीफाइनेंसिंग, और हम सोच रहे कि होगा ये नहीं, एग्रीड होना चाहिए, हम बैंक के पास जाके बात कर रहे और वो एग्री हो रहे करके, बैंक के साथ बात की अभी तक एग्रीमेंट में ऐसे कि एग्री नहीं हुए, बैंक क्या बोलता है मालूम है, हम बताते आपका पोजीशन वगैरह चेक करेंगे कि आपको रोल ओवर कराना चाहिए आपके साथ या नहीं कराना चाहिए, एग्रीमेंट कि मतलब आपको टाइम देना चाहिए और या नहीं देना चाहिए। मान लो बैंक के पास ऑप्शन है, 31 मार्च को फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो फाइनलाइज नहीं हुआ है तो क्या मानने का, बिकॉज फाइनलाइज नहीं हुआ है तो वो क्या रहेगा आपका करंट रहेगा, फाइनलाइज हो जाती है तो बातें नहीं आती। और मान लो फाइनलाइज नहीं हुआ है और मान लो बैंक तो रेडी है, ऑप्शन किसके पास है, एनडीटी, मतलब ये तो पक्का है कि रोल ओवर होगा ही बिकॉज ऑप्शन एनडीटी के पास है। अब एनडीटी मान लो रोल ओवर करना चाहता है सेम बैंक से या तो न्यू बैंक से, कि आपका मान लो एसबीआई का लोन है और आपको किसी दूसरे, बिकॉज उस बैंक का मान लो सर्विस नहीं पसंद तो आपको किसी दूसरे बैंक से लोन करवाने का है करके, तो आप दूसरे बैंक से करवाओगे लोन तो वो उसका ड्यूरेशन के हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन ये लोन तो पेएबल ही है विद इन 12 मंथ्स, तो ये लोन क्या रहेगा करंट रहेगा जिसकी बात चल रही है, भले आपने रीफाइनेंस करा लेकिन एक दूसरा लोन लिया तो वो अलग से देखा जाएगा, ये लोन अलग से देखा जाएगा, तो ये लोन तो 12 महीने के अंदर देना ही है। मान लो एग्जिस्टिंग बैंक से ही करवाया और उसने बोला कि 8 महीने की जगह पे आपको भी 20 महीने में देना है पैसा, तो भी एग्जिस्टिंग बैंक के तो 31 मार्च को देखेंगे तो एक्चुअल में वो लोन देना ही नहीं अभी 12 महीने के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा नॉन करंट। अभी समझता है, तो एक क्वेश्चन है उसके ऊपर तो खत्म करते हैं। क्वेश्चन 3, क्या बोल रहे, पहले तुम पढ़ के, चलो पढ़ते ही है, नहीं तो तुम पढ़ोगे एक बार पहले करंट नॉन करंट चारों का डिसाइड करोगे, पहले क्वेश्चन 3 पढ़ो और फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ क्या क्या है, पहले आप रीड करके बताओ तो सही। नहीं मैं अब बताता हूँ, चलो क्या क्या है वो सब बोलो, पहले का आंसर क्या है, नॉन करंट, अरे सब लोग बोलेंगे, अच्छा दूसरे का, दूसरे का क्या, तीसरे का, तीसरे का क्या बोला आपने, करंट, दूसरे बैंक का है, बट या तो ये लोन तो देना ही है ना, लेकिन बात वो लोन नॉन करंट है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लोन है दैट वी हैव टू पे विद इन 9 मंथ्स, एंड हम उस लोन की बात नहीं कर रहे जो नया लिया है। और फोर्थ वाले का तो वो बातें नहीं आती, नहीं तो हम हमेशा यही बोलेंगे कि हमको लग रहा है कि आगे जाके हो जाएगा, तो इसलिए नॉन करंट बताएंगे करके हमेशा, तो वो खाली आपको क्या लगता है उससे वो नहीं होगा, तो इसलिए चलो और लिखते जाते आंसर, लिखते लिखते आपको समझ में, मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ या आप समझता है वो, कि लोन था 9 महीने में देने का था तो वो था आपका, मतलब सिंपल बोल तो लोन आएगा तो देखने का ग्रेटर देन 12 मंथ्स है या लेस देन, वो डायग्राम 2 बना दिए ए और बी वाले, फिर उसमें से वो आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है लिखो। चलो पहले का आंसर आंसर लिखते जाते फटाफट। द एंटिटी द एंटिटी एंड एग्जिस्टिंग बैंक या तो चलो मैं आपको ये लिखा ही देता हूँ, ये लास्ट वैसे ही स्टैंडर्ड खत्म होता है।